7 बजे पूरे राजस्थान में 7 बजे सारा का सारा बंद हो जाएगा, सिटी पैलेस थी सॉरी सिटी वाले जो भी है, और शेयरिंग चलेगा नहीं ऑटो। उसके बाद 7 बजे के बाद जो तांडव शुरू होगा ऑटो वालों का। भवन तो बहुत मस्त दिख रहा है यार, ये देखो है ना, और व्यू तो भाई एकदम मस्त है, ये देखो पूरा सिटी व्यू। ये इधर नहीं है, वो मेरनगढ़ है जो गथी फोर्ट थी ना भाई, यहाँ पे विंटेज कार है। और ये कार की पूरी डिस्क्रिप्शन है, ये देख लेना, 1927 का ये है रोल्स रॉयस, नंबर ऑफ सिलेंडर्स 6 थे, और ये सब तेरी की वो देखो ऊपर में पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये देख सकते हो। नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्रा बैकपैकर। स्वागत करता हूं मैं एक और नए वीडियो में। फिलहाल ब्रदर मैं जा रहा हूं उम्मैद भवन, जोधपुर में हूं और उम्मैद भवन जा रहा हूं भाई। उम्मैद भवन के लिए सिटी बस पे कभी भरोसा मत करना, 15 रुपये तो लिए ही, और साथ में यार बहुत चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा। मैंने बोला कि उम्मैद भवन पैलेस जाना है, उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, उतार दिया। करीब 4 किलोमीटर दूर ही मैं वहाँ से पैदल, भाई मैप में देख रहा हूँ तो मैप भी उल्टा पुल्टा बता रहा है। तो एक जो मेन गेट थी वो पहले बंद हो चुकी है, अब जो मेन गेट है वो अलग है, फिर मेरे को पूरा घूम कर आना पड़ा यार। क्या कहते हैं उसको, मैंने रेलवे स्टेशन से देखा तो मेरे को 4 किलोमीटर दिखा रहा था गूगल मैप में, यार 4 किलोमीटर क्या 2 किलोमीटर वो लाया। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 1-2 किलोमीटर होगा, चलते हैं उम्मैद भवन की तरफ। यार 2 किलोमीटर क्या होगा साला, 4 किलोमीटर एकदम घुमाऊ पड़ता है, और मैप जो है वो आपका दिखाएगा नहीं सही से कि कितना किलोमीटर है। वो तो शॉर्टेस्ट पास पहाड़ वहाड़ सबको मतलब कि भुला दिया और सीधे दिखाया। ये देखो लगता है कि मैं आ गया भाई। जोधपुर बहुत महंगा है यार, बहुत बड़ा कठी है दिक्कत। कोई भी डेस्टिनेशन आपको 1-2 किलोमीटर के अंदर नहीं, सब 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पड़ेगा। वो गार्डन का पिछले वाले वीडियो में आपने जो देखा वो भी 8.5-9 किलोमीटर है। और ये देखो उम्मैद भवन भी बहुत ज़्यादा लगता है, शायद पहुंच गए हम यार। 4-5 किलोमीटर चलना पड़ा यार, बहुत ज़्यादा। मैंने बोला कि यार मेरे को भवन के पास ही उतारना, ये आ गया यार। ये देखो चलो ठीक है, मैं बतलाता हूँ आगे कितना टिकट है और ये वो जो भी है, ये देख सकते हो। ओके सीएम नहीं है यार, अति सॉरी वो उम्मैद भवन नहीं है, उम्मैद भवन ऊपर है। अरे यार साला, एक तो इतना चलाया इतना थकाया, अब पता नहीं यार दूसरा मैं वीडियो बना पाऊँगा कि नहीं, या फिर यही होगा लास्ट जोधपुर में, क्योंकि मैं जोधपुर आज नहीं रहने वाला, मतलब कल नहीं रहने वाला, कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा चाहे कुछ भी हो। यहाँ मैं मात्र 2 दिन रहा, 1 दिन जो आया वो, और 1 दिन और मतलब उसके नेक्स्ट दिन, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा घूमना महंगा पड़ रहा है यार। सारे के सारे जितने भी हैं सारे के सारे एकदम मतलब समझो ना कि बहुत दूर दूर यार, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर यार, इससे अच्छा साला घूमे ही ना।
यार कोई भी है साइट होती है घूमने वाली, जैसे जैसलमेर में था, सब बगल में ही 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मैक्स 2 किलोमीटर सिर्फ। वो क्या था, बड़ा बाग ये सब जो था वो था 8-10 किलोमीटर, तो मैं गया ही नहीं। क्योंकि यार यहाँ की ना सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है पता है, कि यहाँ तो एक तो सिटी बस मिलेगी नहीं, ठीक ना, 7 बजे पूरे राजस्थान में 7 बजे सारा का सारा बंद हो जाएगा, सिटी पैलेस थी सॉरी सिटी वाले जो भी है, और शेयरिंग चलेगा नहीं ऑटो। उसके बाद 7 बजे के बाद जो तांडव शुरू होगा ऑटो वालों का, दो दो किलोमीटर का बोलेंगे कि 300 रुपया लेंगे, 200 रुपया लेंगे, ऐसे करके। भाई मैं क्या बोलूँ, जो पिछली वाली वीडियो देखा ना आपने, वो उमेद भवन अरे सॉरी उमेद भवन यार जा रहा हूँ वही ना, तो बार बार इसे यही आ रहा है। और ये ना एकदम पूरा चढ़ाव पर रहा है, देखो एकदम पहाड़ों के ऊपर है, देख रहे हो ना, अरे बाप रे बाप। हाँ तो क्या मैं बोल रहा था, हाँ वो जो गार्डन वाला आपको दिखाया, यार गार्डन मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, वहाँ फी भी कम थी और इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा था। तो मेरा रिकमेंड रहेगा ना कि आप वही जाओ, और डायरेक्ट वहाँ की बस मिलेगी एकदम, मतलब ऐसा उतारेगा ना कि 200-300 मीटर की दूरी पर वो गार्डन होगा। तो वो यार गार्डन करीब मैं 9:30 बजे तक हुआ, तो आपने वीडियो में देखा ही होगा, तो 9:30 बजे तक मैं वही रहा, 9:30-10 बजे निकला। अब तो यार सिटी बस सब बंद, हमके यार जोधपुर में भी बंद, यार पूरे राजस्थान की ये कहानी है। 7 बजे बंद, कहा कि लास्ट एकदम 7 बजे ही तक था, हम कहे कि भाई अब मैं जाऊं कैसे जंक्शन, और जब मैं जंक्शन का देखूं तो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का कोई 500 रुपया कहे, कोई 300 रुपया बोले, कोई 200 रुपया बोले। एक शेयरिंग वाला आया भी तो वो भी मनमानी करने लगा कि भाई मैं जा रहा हूँ तो 80 रुपये लूँगा। हम कहे कि भाई तू रहने दे। फिर एक महाराष्ट्र के मेरे को मिले, महाराष्ट्र के आदमी मिले जो कि जंक्शन जा रहे थे, तो मैंने पूछा कि भाई मेरे को जंक्शन जाना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब आगे गाड़ी लेके गई और फिर उसके बाद रोक दी। अंकल ने बोला कि भाई रुको रुको रुको, इसको ले लो। तो मैंने पूछा कि भाई कितने लोगे, तो वो भी 100 रुपये बोल रहा था। हम कहे कि भाई 20 रुपये आने के हुए सिटी बस से, आप 40 ही ले लो, रात का समय है तो। नहीं, 40 नहीं। फिर अंकल ने बोला चलो मैं लेके चल रहा हूँ, इसको ले चलो, जितना दे रहा है ले लो। फिर 40 रुपये में मैं गया यार। फिर रात में मैं कुछ दिखा ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ जो है ना राजस्थान में 8-9 बजते बजते, इवेन जैसलमेर में भी, मैं पूरे राजस्थान में की बात मैं बता रहा हूँ, 8 बजे तक, 9 बजे लास्ट सारे के सारे बंद हो जाते हैं। जैसलमेर में 10:30 हो जाता था, खैर वो बात की बात है, एक आध जगह की वो भी दो चार दुकान ही खुले रहती थी, ज़्यादा नहीं। अब भाई मत पूछो यार, यहाँ घूमना बड़ा मुश्किल है यार, और ख़ास करके जोधपुर, ठीक ना। एक गार्डन मेरे को बहुत बढ़िया लगा, वहाँ मज़ा आ गया। और उसके बाद फिर लाइट शो भी मैंने एक अलग वीडियो, एकदम सेपरेट वीडियो बना दिया है फुल लाइट शो का, तो वो देखना ज़रूर आप लोग, ठीक ना। अब चलते हैं, देखो यार उम्मेद भवन आ गया है ये देखो, और फिर वहीं जा करके आपको मैं अपडेट देता हूँ। ये देखो यार एकदम पूरा सिटी व्यू मस्त एकदम लग रहा है, ये देखो। ये देखो ये अभी ब्लू देख करके मुझे कुछ याद आया, जैसे मेरनगढ़ गए थे ना, तो आप लोग को जो मैंने दिखाया था उसको ब्लू सिटी बोलते हैं, ऐसे भी जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं और जयपुर को पिंक सिटी। तो पिंक वाला भी मैंने दिखाया था, तो मैंने बताया था कि भाई सारे इसके कलर फेड हो गए हैं, और यहाँ जो है इसको बोलते हैं ब्लू सिटी। तो ब्लू सिटी मेरनगढ़ से ही दिखता है, अब पता नहीं वो वीडियो में दिखा या नहीं दिखा, आप देख लेना, वीडियो ज़रूर देखना यार। और यार सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, देखो बहुत ज़्यादा लगती है मेहनत,
और ये देखो यार, भवन तो बहुत मस्त दिख रहा है यार, ये देखो है ना। और व्यू तो भाई एकदम मस्त है, ये देखो पूरा सिटी व्यू। ये इधर नहीं है, वो मेरनगढ़ जो गथी फोर्ट थी ना, बस वहीं पर ब्लू सिटी ब्लू ब्लू दिखता है। अब पता नहीं आप लोगों को वीडियो में दिखा या नहीं, लेकिन ये देखो यार, इधर मैंने टिकट ले लिया है। ये वहाँ पे था टिकट काउंटर, वो जो कैफ़े लिखा हुआ ना वहाँ पे 60 रुपये की लगी, ये देखो 60 रुपये की टिकट लगी। अब चलते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं क्या है नहीं है। हाँ है, अभी तक तो कैमरे के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं आया है, आगे देखते हैं कि आता है या नहीं। ये देखो अब उम्मेद भवन ऐसे दिख रहा है भाई। यहाँ पे विंटेज कार है, और ये कार की पूरी डिस्क्रिप्शन है, ये देख लेना। 1927 का ये है रोल्स रॉयस, नंबर ऑफ सिलेंडर्स 6 थे, और ये सब देख लेना आप पॉज करके। ये देखो विंटेज कार है, जो कि दिख नहीं रही है सही से, पता नहीं ऐसे दिखे। सब तरफ से तो लाइट से चमक रहा है। और एक ये है इधर, ये 1935 की है, ये देखो जोधपुर नंबर 2। ये विंटेज कार यार, सब बड़ी बड़ी कारें हैं यार, बड़ी कारें हैं। देखते हो ब्रदर, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, जो कि ये यहाँ से एंट्री गेट है। एंट्री फी भी मैंने बतला दिया। विंटेज कार शायद, हाँ मैंने विंटेज कार भी आपको दिखा दिया जो कि सामने है, देख सकते हो ब्रदर। ये है एंट्री गेट, और यहाँ पे देखो सर लगे हैं, है ना। और ये आप देख सकते हो, ओ तेरी की, वो देखो ऊपर में पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये देख सकते हो। ये देखो रात में कैसा दिखता है ये उम्मेद भवन। इधर ना जाने के लिए अलाउड ही नहीं था, ये पार्क की तरफ। ये जो देख रहे हो ना एकदम पूरा का पूरा, ये ऐसा दिखता है, ये लाइट मतलब कि रात में ऐसा दिखता है। और ये अंदर वाला, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अंदर वाला, जो ये वाला आप देख रहे हो, ये अंदर वाली है। ये वाला जो है इधर, ये देख रहे हो ना, ये दो पार्ट में है। ये फर्स्ट पार्ट जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, ये वाला जो है अभी हम लोग इसमें हैं। और ये वाला जो आप राइट साइड में देख रहे हो ना, ये राइट साइड वाला जो है वो होटल वालों के लिए दे दिया गया है, ये राइट साइड वाले। और ये वाला एंट्री गेट थी, ये वाला एंट्री गेट है जो अभी मैंने एंटर किया, अभी यहाँ से ऊपर आया और जैसे ही एंटर किया ये सामने वाला। अच्छा ये देखो सबसे ओल्ड राजा है। अरे देखो थोड़ा सा यहाँ से कोई और राजा दिख रहे हैं, अब पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, लेकिन मेरे को तो दिख रहा है यहाँ से कोई और राजा दिख रहे हैं, ठीक ना। और अब देखो, अब कोई और राजा दिखेंगे अंदर में। ये राजा नहीं है यार, ये तो अंग्रेज लग रहा है, ये अंग्रेज लग रहा है ना। और वैसे ही इसमें भी है, ये देखो हाँ ये देखो, इधर से कोई अंग्रेज दिख रहा है, और इधर से तो रानी दिख रही है, और इधर से क्या दिख रहा है, इधर से भी एक कोई रानी दिख रही है जो कि अलग है। ये वाला ना, ये दोनों ना बड़ा मैजिक वाला लगा, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा यार, ये ना थोड़ा सा मजा आया। तीन तस्वीरें एक तस्वीर में यार, दिमाग लगाया यार, ये सही में मैं पहली बार ये चीज देखा।
उधर जो पड़ रहा था वो उम्मेद भवन जो लेफ्ट साइड में थी, उधर म्यूजियम है, और इधर जो है, इधर जो गेट है ये है होटल वाली गेट, ठीक ना। तो ये होटल वाली गेट है इधर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना, मेरा हैंडल है जितेंद्रा सॉफ्ट डेव। तो बस मैं इतना ही रखता हूँ यार इस वीडियो को, अगले वीडियो में आपको लेक वगैरह मैं दिखाऊंगा, ठीक ना। थैंक यू।